तो क्या हाल है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो के अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के सेकंड जनरेशन के बारे में। वैसे दोस्तों, ये स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो काफ़ी कमाल की चीज़ है, क्योंकि इसके साथ आप कुछ भी उल्टा सीधा कर दो वो एक इनोवेशन बन जाता है। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं, जो लोग भी थोड़ा पहले से यहाँ पर टेक में हैं उन्हें पता होगा कि 2 साल पहले यानी 2019 में ओप्पो ने अपने अंडर डिस्प्ले कैमरा के प्रोटोटाइप को ट्रेडमार्क करवाया था। वैसे दोस्तों, स्मार्टफोन की जो कैमराज हैं उनका भी इनोवेशन होता आ रहा है। पहले चल रहा था वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में अंदर कैमरा आते थे, उसके बाद आया पॉपअप कैमरा, आप उन्हें बोल सकते हैं ऑलमोस्ट वो फ्लॉप गए डस्ट और लाइफ स्पैन की वजह से, और अब चल रहे हैं पंच होल कैमरास। ऐसे में यहाँ पर अंडर डिस्प्ले कैमरास पर भी काफ़ी सारी कंपनीज काम कर रही है। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि ओप्पो ने प्रोटोटाइप बनाया तो ओप्पो अपना ये वर्ल्ड फर्स्ट स्मार्टफोन लॉन्च करेगा अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ में, ऐसा नहीं है। आपको मालूम हो तो ZTE नाम के कंपनी है, उन्होंने अभी रिसेंटली ZTE XN20 5-6 महीने पहले लॉन्च किया था, और आप किसी के डायट फैन हो तो आपने उनकी अनबॉक्सिंग देख भी ली होगी। लेकिन दोस्तों, उसके भी कुछ अपने ड्रॉबैक थे। ऐसा है, उसको जल्दी जल्दी में मार्केट में उतारा गया था क्योंकि उसकी जो इमेज की क्वालिटी थी, मतलब वो जो कैमरा था वो इमेज देता था, मतलब एकदम बकवास क्वालिटी के इमेज उसमें से आते थे। और दूसरी बात यह कि ZTE वाले इस फोन को जल्दी जल्दी लॉन्च करने में इस कैमरा को छुपा भी नहीं पाया, मतलब पता चल जाता था कि अंदर कैमरा है, मतलब पिक्सल्स ऐसे दिख जाते थे। और उसके साथ में अगर आप ब्राइटनेस को फुल करो और कैमरा चालू हो तो भाई लिटरली वो पिक्सल्स पूरे के पूरे वीडियो में दिख जाते थे। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ओप्पो ने जो 2019 में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया था उसका कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ओप्पो ने जो सेकंड जनरेशन वाला प्रोटोटाइप ट्रेडमार्क करवाया है वो आपको उसके कंपेरिजन में कई 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 गुना बेहतर मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल भी इमेज और स्क्रीन क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें हार्डवेयर के साथ साथ अलग AI सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स यूज़ किए इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि जब वो कैमरा यूज़ ना हो रहा हो तो आपको डिस्प्ले में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस ना लगे। दोस्तों, ये सब अचीव करने के लिए उन्होंने नॉर्मल से कई ज़्यादा छोटे पिक्सल्स यूज़ किए अपनी डिस्प्ले में, ताकि डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो एनहांस्ड हुए। और दोस्तों, जनरली आपको स्मार्टफोन डिस्प्लेस में 1-2 पिक्सल सर्किट्स देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है एक पिक्सल सर्किट जो है वो 2 पिक्सल्स को पावर सप्लाई देता है, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो यूज़ किया वो है 1-1 पिक्सल सर्किट, यानी जो एक पिक्सल सर्किट है वो सिर्फ एक ही पिक्सल को मैनेज कर रहा होगा, तो इससे एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ओप्पो का क्लेम ये भी है कि ये जो 1-1 पिक्सल सर्किट्स यूज़ कर रहे हैं इससे डिस्प्ले का लाइफ स्पैन 50% तक बढ़ जाता है, जो काफ़ी बड़ी बात है। और इन्होंने यहाँ पर प्रोटोटाइप का लाइव लुक भी शेयर कर दिया हमारे साथ में, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि इसके अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा है या फिर नहीं। तो इसमें कैमरा का जो एब्स्ट्रैक्शन है वो इन्होंने 100% अचीव करने का ट्राई किया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है ओप्पो की अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी का सेकंड जनरेशन। अब इन्होंने ये कुछ बताया तो नहीं है किस फोन में आने वाला है या फोन का नाम इन्होंने कुछ शेयर नहीं किया, लेकिन इन्होंने ऐसा बोल रहा है कि ये और ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं ताकि ये ऑप्टिमाइज अच्छे से कर पाएं। अब Xiaomi भी अपने थर्ड जनरेशन वाले अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। अब पता नहीं ये दोनों कंपनीज कब स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, दोनों है तो एक ही की बेटी BBK की। अब पता नहीं ये कब फोन लॉन्च हो रहे हैं, हो सकता है लॉन्च भी कर दे बिना बताए और पीछे से ऐसे स्पाई कर रहे हो, उसका कुछ पता नहीं। तो दोस्तों, आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप इस टेक्नोलॉजी के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर ठीक ठाक लग रहे हैं आपको, वो भी मुझे बताना। साथ में यार, लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं तो वो फटाफट से कर दो, और चैनल पर नया हो तो वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, स्टे सेफ।